हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे ले हंट का ऐसे गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स, यानी ठंडे ठंडी जो सुबह होती हैं सर्दियों की सुबह, उसके अंदर सुबह उठना कितना बड़ा प्रॉब्लम है मतलब ये। और ये हमारे जो ऑथर हैं इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वेदर में कितना डिस्कम्फर्ट फील होता है जब हम सुबह सुबह उठते हैं। तो लेकिन हमें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, तो सबसे पहले जानेंगे हम हमारे राइटर को, उसके बाद में हम ऐसे का इंट्रोडक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ हम इस ऐसे को पहले ही बता देते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। हमें अपना जो मोटिव है उसे कंप्लीट करना है, यानी ऐसे को हमें समझना है, ऐसे में क्या समझाना चाह रहे हैं हमारे राइटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकता है एग्जामिनर, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, और जैसे ही आप चैनल पर आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा नहीं लगता। मैं बार बार आपसे ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं ना ओवरऑल, तो नोट सब्सक्राइब्ड का ही वॉच टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। नोट सब्सक्राइब्ड ये मानिए 98% हैं, सब्सक्राइबर्स ओनली 2% हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि जो मेरे फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे साथ पे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, खूब अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, खूब प्यार दे रहे हैं अपना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग वॉच कर लेते हैं वीडियो और सब्सक्राइब करे बिना ही निकल जाते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, है ना, अच्छे से काम करने का मन नहीं करता फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले जान लेते हैं हमारे ऑथर को। अरे, ऑथर को डिटेल से जानने के लिए पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो ले लें। ले हंट वॉज एन इंग्लिश क्रिटिक, एक इंग्लिश क्रिटिक थे, साथ में एसेइस्ट भी और पोइट भी रहे हैं। अपनी ह्यूमरस और इनफॉर्मल स्टाइल के लिए जो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे ये। ओके, ये सेंट्रल फिगर रहे हैं रोमांटिक मूवमेंट के। एक इरा आया था, एक पीरियड आया था जिसे रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, उस रोमांटिक मोमेंट के ही एक सेंट्रल फिगर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड बायरन, पी बी शैले के साथ में एसोसिएट किया है इन्होंने। अब इंट्रोडक्शन इनका हम और भी डिटेल से करेंगे, लेकिन पहले ऐसे के बारे में ज़रा सा जान लेते हैं जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग इज़ ए ह्यूमरस एंड रिलेटेबल ऐसे। हाँ बिल्कुल है, ह्यूमरस तो है ही है, क्योंकि जब सर्दी के अंदर आप गर्म रहते हैं अपने बिस्तर में, तो सुबह सुबह जब उठने के लिए बोला जाता है कितना गुस्सा आता है, कितना इरिटेटिंग फील होता है, मन नहीं करता ना उठने का। बस वही हमारे ऑथर हमसे कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है उठने की इतनी जल्दी, लेटे लेटे भी तो सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कुछ अच्छा सोच सकते हो, मतलब आधा घंटा एक घंटा अपने उस लेटे हुए जो पल को है बढ़ा सकते हो, तो मतलब उस तरीके से बात कर रहे हैं वो। तो देखिए किस तरीके से वो हमें इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ह्यूमरस है, बट आप देखना बड़ा मज़ा आएगा इस ऐसे को पढ़ने में। लास्ट तक वीडियो पर मेरे साथ बने रहना और तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए अब हम जानते हैं हमारे राइटर के बारे में। फुल नेम राइटर का है जेम्स हेनरी ले हंट, लेकिन इन्हें यूजुअली ले हंट के नाम से ही जाना जाता है। इनका पेन नेम है ना ले हंट है। ओके, लिटरेरी सर्कल की बात कर लेते हैं इनका। इनके लिटरेरी सर्कल की हम बात करें तो ये जॉन कीट्स, पी बी शैले, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन, मतलब उनके साथ के माने जाते हैं ये, उनका जो सर्कल था ना उनमें से एक माने जाते हैं ये। इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं हंट के। हंट को एक बार आपको शायद अगर आपने इनको पढ़ा हो तो आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की हो तो आपको पता लगा होगा कि इन्हें और इनके भाई को इम्प्रिजनमेंट भी हो गया था ना, और प्रिजन में रहते हुए भी इन्होंने अपना जो राइटिंग जो स्किल है उसको छोड़ा नहीं, अपना राइटिंग का जो करियर है उसको कंटिन्यू रखा, लिखा इन्होंने। तो बहुत अच्छे राइटर हैं ये, अगर हम इन्हें डीपली स्टडी करें तो बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर आपके लिए डाला है। साथ ही साथ यहाँ इनका लाइफ स्पेन मेंशन किया है, 1784 से 1859 इनका लाइफ स्पेन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। इसको मैंने आपको थोड़ा जल्दी रैपिडली इसीलिए करवाया है क्योंकि हमें समझना है हमारे ऐसे को। ओके, चलिए अब ऐसे के कुछ जो पैराग्राफ हैं जो आपके पूरे ऐसे का असेंस लिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन करें आपके सामने। उसके बाद में हम पॉइंट्स बनाकर पूरे ऐसे को समझेंगे। पहले इसको जान लेते हैं। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपके ऐसे का, और इस पैराग्राफ के अंदर ले हंट ने कोल्ड वेदर के डिसकंफर्ट को डिस्कस किया है, वो भी कैसे, ह्यूमरस वे में। वो कहते हैं कि एक इटालियन ऑथर थे
जिनका नाम था ग्यूलियो कोर्डारा। ओके, अब उन्होंने इंसेक्ट्स के बारे में ना एक पोएम लिखी थी। किन पे? इंसेक्ट्स पे। वो ये कहते थे, उस पोएम के थ्रू वो ये कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे हमारे लिए, ये जो एनिमल, ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये ऐसे क्रिएचर रहे हैं कि भगवान ने इन्हें हमें परेशान करने के लिए बनाया है। लेकिन हमारे जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हम जो नॉर्थ के रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्नो है, ठंड है, कोल्ड वेदर है। जितना हंट कहते हैं कि जितना कोल्ड वेदर इंसान को परेशान करता है ना, उतना तो कुछ भी परेशान नहीं करता। अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करते हैं वो आगे। तो यहाँ से उन्होंने ना क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं। एडम का जिक्र किया है उन्होंने, ईव का जिक्र किया है उन्होंने, क्रिश्चियनिटी के रेफरेंसेस के अंदर ये देखने को मिलते हैं। जब बात पैराडाइज की करी जाती है तो सबसे पहले ईडन गार्डन के अंदर हमारे गॉड ने दो ह्यूमन बीइंग धरती पर भेजे थे, एक एडम, दूसरी ईव। एडम और ईव का जिक्र करते हैं क्रिश्चियनिटी का यहाँ रेफरेंस लेकर, कहते हैं कि देखिए वो भी जमाना था, वो भी टाइम था, हेवन का टाइम था, जब एडम को कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वो शेविंग करें। हमारे साथ कितनी दिक्कत है भाई। हाँ, मैन है हम, हमें शेविंग करना पड़ता है इतनी ठंड के अंदर, कैसे करें? ईव को देख लो, ईव को कभी भी अपने घर से बाहर निकलते वक्त ठंडे में पानी, मतलब बर्फ़ के अंदर अपने पैर नहीं रखने पड़े। मतलब 3-3 इंच गहरी जो है, मोटी जो है, बर्फ़ जमी रहती है घर के बाहर, कभी भी ईव ने उसके अंदर पैर नहीं रखा। क्योंकि वो बात कब की है? स्वर्ग के टाइम की बात है। तो ये कह रहे, ये जो राइटर हैं इटालियन ऑथर, ये बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो इंसान को ज़्यादा परेशान करते हैं। नहीं, इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान, उत्तर में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान ठंड करती है। और मैं ये कहूँ, ये ठंड जो है ये हम लोगों को परेशान करती है, उस समय परेशान नहीं करती थी जब हेवन था धरती पर। कहते हैं ना, पहले धरती स्वर्गी तो थी, नर्क स्वर्ग दोनों अलग अलग नहीं थे, स्वर्ग था सिर्फ, नर्क बाद में बना। जब एडम ने गॉड की बात को नहीं माना, एडम ने जब फॉरगेटफुलनेस जो फ्रूट है उसको चख लिया था, तो उसको चखने के बाद में गॉड ने जो है उसको कर्स किया और डेथ जो है उनके लिए बना दी। अदरवाइज पहले डेथ नहीं थी। तो कभी पैराडाइज लॉस्ट का जिक्र करेंगे हम, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको क्रिश्चियनिटी का ये वाला जो रेफरेंस है बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम आगे मूव करते हैं क्योंकि हमें ऐसे कंप्लीट करना है ना। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं, अब यहाँ पर वापस से हमारे जो ऑथर हैं वो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी चीज़ को आगे डिस्कस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रगल होता है इवनिंग में, मॉर्निंग में ना, सॉरी, मतलब एवरी मॉर्निंग, इवनिंग नहीं, एवरी मॉर्निंग के अंदर ये इशू बनता है हमारे साथ में, सुबह सुबह ठंड में उठने का एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, एक मेंटल स्ट्रगल जो है माइंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है कि इतनी ठंडी सुबह के अंदर उठें कि नहीं उठें। सम पीपल, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ ए वेरी इजी थिंग, बहुत आसान है भाई सुबह जल्दी उठना। यू हैव ओनली दे टेल यू टू टेक द रिजोल्यूशन, बस अपने को एक संकल्प लेना है, अपने को सिर्फ एक डिटर्मिनेशन लेना है। अगर हम अपने आप में एक संकल्प ले लें, सोच लें, ठान लें, तो फिर अपन उठ जाएंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ये लोग तो इसे इतना आसान समझ रहे हैं जैसे कि एक स्कूल गोइंग बॉय होता है ना, उसको जब कोड़े पड़ते हैं, उसको जब पनिशमेंट दी जाती है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, काम जो है वो हो जाता है, समझो। जैसे मान लीजिए होमवर्क दे दिया, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्या करेंगे? स्कूल बॉय को पनिश कर देंगे। पनिश करेंगे तो वो बंदा, बच्चा जो है वो डर जाएगा, डर जाएगा तो वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, काम हो गया ना, डराकर काम करवा लिया। यूँ कहते हैं कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस एक बार सोच लो और सोच लोगे तो आप जल्दी उठ भी जाओगे। लेकिन हमारे ऑथर जो हैं इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं बट यू हैव नॉट एट ऑल मेड अप आवर माइंड्स अपॉन इट, कि इतना आसान भी नहीं है भाई, इतना भी इजी नहीं है। वी फाइंड इट अ वेरी प्लीजेंट एक्सरसाइज, हम अगर सोचें, हम अगर देखें, तो बिस्तर पर लेटे रहना भी एक प्लीजेंट एक्सरसाइज है, एक बहुत ही आरामदायक एक्सरसाइज आप कह सकते हो इसको। क्योंकि बिस्तर पर लेटे हुए भी इंसान जो है वो मेंटली एक्टिव होता है, बहुत सारी बातों के ऊपर वो एक रैशनल डिबेट कर सकता है ना, रैशनल यानी तर्कसंगत, डिबेट यानी वाद विवाद करना, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि बड़ी आसानी से बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी उठने का सोच कर सो जाओ कि सुबह जल्दी उठना है और हम उठ जाएंगे। ऑथर कहते हैं इतना भी आसान नहीं है, कितना ही सोच लो
कितना ही डिटर्मिनेशन दिमाग के अंदर बिठा लो अच्छे से, रिजोल्यूशन कितने भी तैयार कर लो, बट फिर भी पॉसिबल नहीं है। और क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? यूँ कह रहे, लेटे रहना भी तो एक प्लीजेंट एक्सरसाइज ही है। लेटे रहो ना, लेटे लेटे अच्छा सोचो, अच्छा दुनिया का करने का सोचो। यहाँ पे अब आपको लेटे रहकर अच्छा करने का जो इन्होंने बताया है वो क्या है कि ये है एक राइटर, एक पोइट। हाँ, और पोइट जो है, राइटर जो है, वो अकेले में शांत होकर जब बैठता है ना, तब उसके माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं। लिखने का जज्बा जो है ना, वो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, और मोटिवेशन जो है, जो विचार जो हैं, वो डेवलप होते हैं एकांत में जब वो लेटता है तब, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ फिर से वो एक मतलब मजाक ही कर रहे हैं। इस पूरे ऐसे के अंदर आपको ना मतलब ह्यूमर दिखेगा, ह्यूमर है, विट है, मेटाफर वगैरह यूज़ किए हैं उन्होंने काफ़ी। तो देखिए यहाँ पर वो हंट क्या कह रहे हैं, हंट मजाक करते हुए कह रहे हैं कि कोल्ड मॉर्निंग के अंदर हाफ आवर तो हम बेड पर लेटे लेटे वैसे ही बिता देते हैं फालतू की बातें करते करते ही। हाफ आवर तो अपन वैसे ही बिता सकते हैं। इट अफोर्ड एन एक्सीलेंट आंसर टू दोज हु आस्क हाउ लेइंग इन बेड कैन बी इंडल्ज इन बाय ए रीजनिंग बींग ए रैशनल क्रिएचर, कि हम लोग तरसंगत होकर बातें कर कर भी बिता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, मम्मी आपकी उठाने आ गई, आपको सर्दी का टाइम है, लेट सोए हैं पढ़कर, तो मम्मी उठाने आ गई। इतनी देर में अगर आप आराम से ऐसे भी बैठकर बात करके, मम्मी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठो, आज का क्या प्रोग्राम है पूरे दिन का, आप क्या बनाने वाली हो, या आज क्या क्या हमें करना है, मतलब इस तरीके की जब अपन कन्वर्सेशन करने लगते हैं, मम्मी भी थोड़ा 5-7-10 मिनट बात करती, तो 5-10 मिनट और हमें लेटने को मिल जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट बहुत शांति से किया जाए तो इंसान का दिमाग तो काम करता है ना। और ये सब चीज़ें ना इंसान कुछ भी करते हुए कर सकता है। कई बार हम बिस्तर भी अपने जैसे शोल्डर के ऊपर डाल लेते हैं, कंधे के ऊपर डाल लेते हैं, और खड़े खड़े बातें करते रहते हैं, लेटे लेटे बातें करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है समय अपना बिताने का। आधा घंटा तो एक सेंसिबल इंसान, एक रीजनेबल इंसान जो है, आधा घंटा तो अपना इस तरीके से बिता सकता है। कहने का मतलब ये है कि रेस्ट पोजीशन में हो आप, तो इतना प्रेशराइज मत करो अपने आप को। थोड़ा लेट कर भी अगर कुछ काम सोच सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा ये जो पैराग्राफ है, इसके अंदर हंट उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन लोगों को के बारे में कह रहे हैं जो ये कहते हैं ना कि कोल्ड मॉर्निंग में उठना सिर्फ विल पावर का काम है। उनको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा अगर वो लोग कहते हैं तो वो ज़्यादा समझदार नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने कभी भी कोल्ड मॉर्निंग जो होती है ना, उसमें गर्म बिस्तर का आराम अनुभव किया ही नहीं है। वो ये बोलते हैं, इफ दीज पीपल वुड बी मोर चैरिटेबल दे वुड गेट ऑन विद देयर आर्ग्यूमेंट बेटर, कि अगर वो ज़्यादा समझदार होते ना, आर्ग्यूमेंट को और भी बेटर तरीके से कर सकते थे, बट दे आर एप्ट टू रीजन सोइल। क्या मैं तो ये कहूँगा कि इतना भी उनके अंदर रीजन विवेक नहीं है, एंड टू एजर्ट सो डोगमेटिकली। अब देखिए आप, वो ये ही कहना चाह रहे हैं कि अपने बेड के पास खड़े हुए इंसान को अगर आप बातों में लगाकर आधा घंटा और लेटे नहीं रह सकते, तो इसका मतलब आपकी जो रीजनिंग पावर है ना वो अच्छी नहीं है, आपकी जो डिबेटिंग पावर है ना वो अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप अपने उस आराम के टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ वो यही समझाना चाह रहे हैं कि बिस्तर में लेटे रहने के लिए हाफ आवर तक आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, खुद का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, तो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ना ये आत्मनिरीक्षण करने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ वो एक रेफरेंस भी लेते हैं स्टेज कोचमैन का, कोच चलाते हैं जो बग्घी होती है उसको चलाने वाले का रेफरेंस लेते हैं, कि अगर हम उनका रेफरेंस ले तो ये वो लोग हैं जो मतलब कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, आराम नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का? हमें कंटिन्यू चलते रहना है क्यों? हमें लाइफ में ठहर कर भी तो सोच विचार करना है। और यहाँ पे ना राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं वो, क्योंकि हर एक काम जो है ना लेट कर नहीं किया जा सकता। एकांत में बैठ कर लेट कर सोच कर एक राइटर ही क्रिएटिविटी ला सकता है। हाँ, तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो अपन इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करें तो वो बहुत मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि थोड़ा सा नीरस सा हो जाएगा, मतलब आपको भी मज़ा नहीं आएगा। अपन समझते हैं इसके पॉइंट्स को, ऐसे जो हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का ये जो ऐसे है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। किस चीज़ के बारे में? मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। सुबह जो जल्दी उठ रहा है ना ठंडों के अंदर, उस पर, ठीक है। एक
प्लेफुल कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट के बीच में, जो कि हमें कब आता है, कोल्ड वेदर के टाइम पे, हाँ वहाँ कंपैरिजन किया गया है, और किस चीज़ के बारे में, कि कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से मेंटेन किया है हमारे राइटर ने, यहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है, मेंटल डिबेट चलती रहती है, ठीक है, वो इस पूरे के पूरे ऐसे में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे जो है ये कंक्लूड होता है, यानी लास्ट के अंदर जो है ना वो डायलॉग आता है, किनके बीच में आता है, रीडर पढ़ने वालों के बीच में, इंडिकेटर यानी हमारे जो राइटर सर हैं उनके बारे में, जो राइटर सर हैं हमारे उन वो और रीडर जो हैं वो, उनके बीच में आपस में एक संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो मैं आपको बताऊंगी। टेक्स्ट की लाइन उठा के मैंने रखी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो आपको देखनी है लास्ट में, कि आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो कुछ उठने के बारे में, वहाँ ये ऐसे हमारा ख़त्म हो जाता है प्लेफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजाकिया ढंग से। तो ये तो हमारे ऐसे का स्ट्रक्चर है, बहुत प्लेफुल स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, मेरिट डिमेरिट्स की बात हो रही है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं, वो सब। सेटिंग देखिए क्या है, सुबह सुबह है, ठंड की मॉर्निंग है, मतलब सुबह सुबह की है सेटिंग, बिल्कुल ठंड है एकदम, बर्फ़ जमी हुई है विंडो पे, जैसे ही आँख खोली है राइटर ने, समझ लो बाहर उससे बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और ऐसे में चाहे कोई कितना ही मेहनती क्यों ना हो, उठने का मन नहीं करेगा ना भाई। तो सेटिंग हमें क्या बतानी है, ऐसे की जो सेटिंग है वो है एक कॉल्ड मॉर्निंग विद द नरेटर लेइंग इन बेड, बेड पर लेटा हुआ है, डिबेटिंग कर रहा है अपने आप से, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर जो है सर्व्स एज बोथ अ लिटरल एंड मेटाफोरिकल बैकड्रॉप, है ना, यहाँ पे लिटरल भी आएगा हमारे सामने और मेटाफोरिकल भी, ठीक है, रूपक अलंकार के तरीके से भी इसको यूज़ किया गया है, यानी एक तरह से हमारी जो डेली लाइफ के अंदर ये जो कहानी आती है ना उसको डिस्कस किया है, सुबह सुबह सबके साथ होता है ये। थीम जिक्र करेंगे अब हम इसका, इसका थीम बहुत ही प्यारा थीम है, कम्फर्ट और ड्यूटी के बीच में स्ट्रगल है, एक तो हमारा आराम और दूसरा हमारा कर्तव्य, उसके बीच में स्ट्रगल है, मेन थीम यही है, मेन आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका मेन थीम ऐसे का यही है कि स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच में, हमारे आराम के बीच में और हमारी ड्यूटी के बीच में। अब आपको, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये किन चीज़ों के बीच में स्ट्रगल है, रेस्ट एक्टिविटी, वार्म्थ एंड कोल्ड, कोल्ड इनके बीच में भी। तो हंट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इस थीम को ह्यूमरस तरीके से, इसको तो आपको भूलना ही नहीं, ह्यूमरस तरीके से इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब स्टाइल की बात करेंगे हम, स्टाइल इसके अंदर क्या है, अब मैंने जैसे आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि ह्यूमरस तरीके से लिखा गया है, ह्यूमर का यूज़ हुआ है, विट यूज़ हुआ है, मेटाफर लैंग्वेज में के अंदर डाला गया है, तो स्टाइल के अंदर वही चीज़ें आपने डालनी होती हैं। आप अगर ध्यान से सुनते हैं ना, सुन भी लेते हैं, तो इस चीज़ की गारंटी है जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको ध्यान ज़रूर आएगा कि हमने सुना था वीडियो में ऐसे बोला था, तो वो चीज़ अगर आपको ध्यान आ गई, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप कर भी आए तो भी एग्जामिनर जो इस चीज़ को जज कर लेगा कि बच्चे ने पढ़ा तो है। तो आपने लिखना है हंट स्टाइल जो है इस ऐसे के अंदर वो करेक्टराइज्ड है, यानी इसके अंदर जो विशेषताएँ हैं वो क्या हैं, ह्यूमर की है, विट की है और कन्वर्सेशनल टोन है, बातचीत हो रही है जैसे आपस में, आयरनी को इन्होंने यूज़ किया है, मेटाफर यूज़ किया और प्लेफुल मेथड है इनका, एकदम प्लेफुल लैंग्वेज में इन्होंने पूरी चीज़ को हमारे सामने डिस्कस कर दिया। बिल्कुल भला आपको पता ही नहीं लगेगा कि रीडर और जो हमारे बोलने वाले हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो एक कन्वर्सेशनल तरीके से बात कर रहे हैं, बातचीत के थ्रू पूरी अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको समझा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक तरह से ये जो स्टाइल है ना वो एक यूनिवर्सल स्टाइल है, इसके अंदर मतलब जो हमारा राइटर है वो बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से अपनी बात को रख देता है। अब इसके अंदर एक और बहुत ही प्यारा सा रेफरेंस लेता है वो थॉम्सन का। थॉम्सन एक पोइट थे, उन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी द सीजन्स, उसके अंदर उन्होंने लग्जरी को क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने कहा था कि जो आराम परस्ती है उसे थोड़ा कम करो और उठो क्योंकि काम करना है। वो कहते हैं कि लग्जरी जो है ना उसे त्याग कर इंसान को जागना चाहिए। तो हंट पता है क्या कहते हैं यहाँ पर, वही ह्यूमर के तरीके से लिया है उन्होंने, बहुत ही मजाकिया तरीके से, वो क्या कहते हैं कि ही यहाँ पर आएगा, ही यूज टू लाई इन बेड टिल नून, कि वो खुद तो दोपहर तक बेड पर लेटे रहते थे, बिकॉज ही सैड ही हैड नो मोटिव इन गेटिंग अप, क्योंकि उनके पास सुबह जल्दी उठने का कोई मकसद था ही नहीं। इट मीन्स
ही वॉज अ पोइट, वो एक पोइट थे। उन्हें कोई लेबर करने के लिए बाहर तो जाना नहीं था कि सुबह 9 से 5 की नौकरी करने के लिए जाना है, ऐसा तो था नहीं। वो एक पोइट थे, वो क्या करते थे, उन्हें एकांत चाहिए था। एकांत में लेट कर बैठ कर सोचते थे अपने वर्क के बारे में, मैं आगे क्या लिखूं। इस तरीके से ही कुड इमेजिन द गुड ऑफ राइजिंग, कि वो लेटे लेटे भी इमेजिन कर सकते थे कुछ अच्छा करने की। उन्हें अच्छा करने था, उनका मकसद था उत्थान, राइजिंग यानी उत्थान, कुछ अच्छा करना, किसी अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना, किसी के अपलिफ्टमेंट के बारे में। बट देन ही कुड ऑल्सो इमेजिन द गुड ऑफ फ्लाइंग स्टीम, तो लेटे लेटे भी तो वही जी उत्थान के बारे में सोच सकते थे ना। और शायद उन्होंने जो पोयम में उठने की बात कही, वो कह रहे कि जो इसके अंदर एक्सक्लेमनेशन यूज़ किया ना इन्होंने, ये देखिए ये यूज़ किया है ना, ये रहा, तो ये जो एक्सक्लेमनेशन उन्होंने यूज़ किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद समर टाइम के लिए बोला होगा, विंटर के लिए नहीं बोला होगा। देखिए ना, बिल्कुल मजाकिया तरीके से कह रहे हैं ना कि ठीक है, उन्होंने कहा कि उठो जागो, उठना है भाई, काम करना है, लेटे थोड़ी ना रहोगे, ऐसे भोग विलास के अंदर ही थोड़ी ना खोए रहोगे, उठो काम करना है। तो कह रहे उन्होंने ये समर टाइम के लिए बोला होगा, विंटर के लिए नहीं बोला होगा, क्योंकि विंटर के अंदर तो वो खुद भी नहीं कहेंगे, उनको खुद को लेटे रहना ज़्यादा पसंद था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक रेफरेंस रखा है। फिर आगे अपने इस एसे के अंदर ना वो कुछ बताते हैं, छोटी छोटी सी बातें, कि छोटे छोटे से ना बहुत छोटी छोटी सी अपील हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे हेल्प हो सकती है लोगों की, वो हम बता सकते हैं। कि यू मे टेल ए लवर, एक लवर को आप बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक लवर को आप ये कह सकते हैं कि बेड पर लेटे अगर आप रहोगे ना तो बहुत हष्ट पुष्ट हो जाओगे, कॉर्पुलेंट, ये देखिए, फैट हैविंग ए लार्ज बल्कि बॉडी, यानी बहुत हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो एक लवर को अगर आप ये कहोगे भाई आप बेड पर लेटे रहो, आराम कर सकते हो, आप बहुत हष्ट पुष्ट हो जाओगे, तो ये सही है उसके लिए। लेकिन एक फादर को अगर आप कहेंगे ना, तो उन्हें क्या कहेंगे आप, उन्हें कहेंगे कि भाई अपना काम जल्दी से अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करा करो, क्योंकि तो आपको एग्जाम्पल बनना है अपने बच्चे के सामने, अपने बच्चों के सामने आपको एक अच्छा एग्जाम्पल रखना है, तो आपको टाइम पे काम करना चाहिए। एक लेडी को आप क्या कह सकते हैं, एक लेडी से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम आराम नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तुम आराम करोगी तो तुम्हारी शरीर की जो शेप है, तुम्हारी बॉडी की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, वो एम या डब्ल्यू साइज हो जाएगी, इट मीन्स इम्बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर जो है। इसी तरीके से वो एक स्टूडेंट और एक आर्टिस्ट के बारे में भी कहते हैं, एक स्टूडेंट और एक आर्टिस्ट का जिक्र करते हैं, कि उनको आप कह सकते हो कि तुम अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ अच्छा करना है, है ना, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा दिन जो है वो कुछ अच्छा करने के लिए होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कन्वर्सेशन है रीडर और इंडिकेटर के बीच में, रीडर यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर कौन है, हमारे राइटर हंट, उनके बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, और बहुत ही मजाकिया तरीके से उन्होंने रखी है ये भी। मॉर्निंग में जल्दी उठने की बात ये लोग कर रहे हैं आपस में, तो इसके अंदर भी इनकी कन्वर्सेशन किस तरीके से चल रही है, कि पहले वो ये बोलता है कि 9 बजे आप मुझे उठा देना, लेकिन फिर बाद में कहता है कि नहीं नहीं 6 बजे ही उठा देना, मतलब कुछ इस तरीके की इनकी कन्वर्सेशन चलती है आपस में मॉर्निंग की। तो ये कन्वर्सेशन के स्टाइल के अंदर ये पूरा का पूरा ऐसे जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक सुबह उठने के ऊपर पूरी कहानी है, वो भी कोल्ड मॉर्निंग के अंदर। कोल्ड मॉर्निंग के अंदर जब अपन उठते हैं तो आलस भी आता है, मन नहीं करता, क्योंकि बिस्तर गर्म रहता है और बाहर बहुत ठंड होती है। और ये तो बात कर रहे हैं नॉर्थ साइड की, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पर तो ये समझ लीजिए कि ठंड क्या होती है, मतलब ख़तरनाक ठंड होती है, है ना, चिल्ड होता है सब कुछ, तो उस समय तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो देखिए इस तरीके से पूरी कन्वर्सेशन जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इंडिकेटर जो है वो इस बात को बोलता है कि मुझे आप 9 बजे ले चलना साथ में, लेकिन फिर बाद में कहता है इफ़ यू प्लीज 6 आई मीन टू से, तो बहुत मजाकिया तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अब इस वीडियो में आपको ऐसे में क्या मैसेज समझ में आया, यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन किया है वैसे, लेकिन आपको क्या समझ में आता है वो आप लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, उसका कुछ भी 2 lines, 3 lines, 1 line कुछ भी, मतलब अगर जो भी आपको समझ में आता है ना वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो मैसेज मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये आपके ऐसे के अंदर से जो मैं निकाल सकती थी वो मैंने लिखकर यहाँ पर डाला है। आपकी लैंग्वेज में आप क्या लिखना चाहेंगे, इसमें क्या मैसेज आपको मिल रहा है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो मैसेज है, मैसेज जो है इस ऐसे का सेम है जैसा हमने डिस्कस किया थीम के अंदर, हमारे कंटेंट में, सेटिंग में सेम वो का वही है, इम्पॉर्टेंस बताई गई है सुबह जल्दी उठने की या नहीं उठने की, वो सारी चीज़ों की बात की गई है। तो ये था हमारा वीडियो।
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर लीजिए तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब करने में आलस मत किया कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए करें साथ के साथ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।